तो बेन 10,000 जब से हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिला है तब से शो को देखने का मजा दोगुना हो गया है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये शो या सीरीज आगे बढ़ी है बेन 10,000 में हमें कई सारे चेंजेस या यूं कह लें कि एवोल्यूशन देखने को मिले हैं। आखिर ये एवोल्यूशन क्यों थे और क्यों हमें बेन 10 की हर सीरीज में जो बेन 10,000 है उसका एक नया लुक देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बेन 10 यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ टाइम ट्रैवल और प्रेजेंट की जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि आखिर बेन 10 यूनिवर्स में टाइम किस तरह ट्रैवल करता है और उसके लिए क्या क्या नियम है। सो गाइज, अगर आपने अब तक हीरो नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऑसम वीडियोज देखने को मिलती है। बेन 10,000, टाइम ट्रैवल और प्रेजेंट, इन तीन फैक्टर को आज मैं समझाने वाला हूँ एंड आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे बेन 10 यूनिवर्स में टाइम कैसे वर्क करता है, इस बात को भी आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम ट्रैवलिंग जनरली टाइम के दो पहलू होते हैं, फिक्स टाइम और वेरिएबल टाइम। फिक्स टाइम ट्रैवल एक ऐसा टाइम ट्रैवल है जिसमें अगर तुम कुछ करोगे पास्ट में तो उससे फ्यूचर नहीं बदलेगा बल्कि वो वैसा ही रहेगा, और अगर आप कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे पास्ट में तो आप सिर्फ उस प्रोसेस को होने में मदद करेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए तुम एक कार चला रहे हो और अचानक से आगे से आती हुई कार तुम्हें ठोक देती है और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है और तुम किसी न किसी तरह से उस एक्सीडेंट को होने से रोकना चाहते हो, इसलिए तुम टाइम में पीछे जाते हो उसी टाइम पर और खुद को बचाने के लिए कार चुराते हो और खुद को बचाने के लिए चल पड़ते हो। लेकिन होता यूँ है कि तुम भी जल्दबाजी में आगे से आती हुई एक गाड़ी को ठोक देते हो, और जब तुम उतर कर देखते हो कि आखिर किसकी गाड़ी तुमने ठोकी तो तुम ये देख के हैरान हो जाते हो कि जो सामने वाला था वो तुम ही थे, बल्कि तुम ही थे जिसने अपनी गाड़ी को ठोका और तुम ही इस सब के लिए रीजन हो। इस एग्जांपल से हमें समझ आता है कि अगर आप टाइम में कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, बल्कि आप उस प्रोसेस में हेल्प करेंगे कि ये हो, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि ऐसा होना है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें फिक्स टाइम ट्रैवल की, तो एक ऐसा टाइम ट्रैवल होता है जिसमें अगर आप पास्ट में कोई चीजें चेंज करते हो तो उससे फ्यूचर काउंटलेस पॉसिबिलिटीज में चेंज हो जाती है। मान लीजिए अगर आप एक बॉल खा रहे हो और आप पास्ट में जाके उस बॉल को नहीं खाना चाहते हो, तो आप पास्ट में जाकर उस बॉल को नहीं खाते हो तो उसे काउंटलेस पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, जैसे कि आपने उस बॉल को खाया नहीं इसकी वजह से आपकी मौत होगी, जैसे बहुत ही अजीब वियर्ड से पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, और जैसा कि मैंने कहा काउंटलेस निकलेंगी यानी कि अनगिनत, जिनके बारे में हम अपेक्षा या फिर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वेरिएबल टाइम ट्रैवल से आप फ्यूचर को बदल सकते हो काउंटलेस पॉसिबिलिटीज में, और वो आपके फेवर में नहीं रहेंगी, आप उसे निर्धारित नहीं कर सकते कि वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो सिर्फ अपने आप ही हो जाएंगी रैंडम सी। बेन 10,000 क्लासिक, यानी कि गाइस जो बेन 10,000 क्लासिक था वो क्लासिक वाले बेन 10 का एक फ्यूचर था, लेकिन अब वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गया है। कैसे, तो इस बात को मैं आपको समझा दूं कि जब बेन को ओमनीट्रिक्स अपग्रेड हो गया या फिर रीकैलिब्रेटेड हो गया, उसके बाद जो अल्टरनेट टाइमलाइन थी बेन 10,000 की वो अपने आप ही रिमूव होगी प्राइम टाइमलाइन से। सो गाइस, इसके लिए आपको टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि बहुत सारे टाइमलाइंस होते हैं और आपके जो प्रेजेंट की एक्टिविटीज है वो फ्यूचर की टाइमलाइंस को क्रिएट करते हैं। और जब बेन का जो ओमनीट्रिक्स था वो अपग्रेड हुआ यानी कि रीकैलिब्रेटेड हो गया, तो क्लासिक टाइमलाइन थी बेन 10,000 की वो अपने आप ही प्राइम टाइमलाइन से हट गई, जिसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करती है बट वो प्राइम टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं है और इसलिए वो बेन का फ्यूचर भी नहीं है। और जब बेन की ओमनीट्रिक्स अपग्रेड होगी या फिर रिकैलिब्रेटेड होगी तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हुई जिसमें बेन 10,000 कोई और था बट उसे हमें दिखाया नहीं गया, और जब बेन ने ओमनीट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया तो उससे कई सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हुए। क्यों हुए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को करते हो तो उसके 100 से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, या यूँ कह लें मिलियन और ट्रिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है उस एक इवेंट की। आपको भी लग रहा होगा कि एक सेकंड में कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, तो एक मिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज एक सेकंड में क्रिएट होती है। जैसे आप अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं तो उसके भी एक मिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दूसरे टाइमलाइन में शायद वो चाय ना पी रहे हो या फिर पानी पी रहे हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, बट उस एक सेकंड्स में एक मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरह ही जब बेन ने ओमनीट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया तो एक मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी और एक नई नई टाइमलाइंस भी बनी, जैसे कि बेन ने जब ओमनीट्रिक्स डिस्ट्रॉय किया तो विलगैक्स ने बेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर बेन ने विलगैक्स को तब भी हरा दिया बिना अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एल्बिडो की हेल्प से बेन ने विलगैक्स को डिफीट किया हो, क्योंकि बहुत सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो गई हैं और हम उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे बेन ने विलगैक्स को हराया होगा, क्या हराया भी होगा। जब बेन ने अल्टीमेट्रिक्स को लिया एल्बिडो से तो एक नई टाइमलाइन बनी जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट एलियन टाइमलाइन,
जहाँ पर जो बेन 10 है उसके पास एक अल्टीमैट्रिक्स है। और जब बेन को अजमत ने अल्टीमैट्रिक्स की जगह ओमनीट्रिक्स दी, एक नई ओमनीट्रिक्स, तो उसके बाद बहुत सारी नई टाइमलाइन बनी, पर मेन टाइमलाइन थी ओमनीवर्स की टाइमलाइन, जहाँ पर बेन रुक से मिलता है। या फिर आप कह लें कि क्योंकि मैंने कहा कि एक मिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, तो हो सकता है कि रुक से कभी बेन मिला ही नहीं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जैसा कि मैंने कहा। सो गाइस, इस तरह से बेन 10 यूनिवर्स में टाइम फ्लो में चलता है। वहां पर जो भी आपको अब तक टाइमलाइन दिखी वो सब एग्जिस्ट करती हैं, बट वो प्राइम टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।